हे गाइस, जय श्री कृष्ण सबको। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने जितना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो आज का जो वीडियो है, ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डाला था कि हम चंदनेश्वर मंदिर के एक मिस्ट्री स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो कुछ दोस्तों ने डीएम किया कि उनको जानना है जो स्टोरी क्या है। तो हमने सोचा कि चंदनेश्वर मंदिर के हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप बहुत शौक हो जाओ। तो इसकी जो हिस्ट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना एंड शॉकिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं, बताते हैं कि इसी पहले शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो एक गांव में एक सास और उसकी बहू रहा करती थी। बहू का नाम था लक्ष्मणी। बहू बहुत शांत स्वभाव की होती है, अपनी सास की हर एक बात मानती है। वो हर रोज सुबह सुबह अपनी गाय को लेकर जंगल जाती है। गाय को जंगल में छोड़कर उसका इंतजार करती रहती है। शाम होते ही गाय को लेकर वो घर वापस आ जाती है। घर वापस आते ही जब उसकी सास गाय से दूध निकालने की कोशिश करती है, उसे एक बूंद दूध नहीं मिलता, और ये कुछ दिन तक लगातार होता रहता है। फिर वो लक्ष्मणी पे डाउट करती है और उसे बहुत डांट लगाती है। एक बार लक्ष्मणी राई के बीज को एक पोटली में बांधकर गाय के पूंछ पे बांध देती है और एक छेद कर देती है। राई को फॉलो करते करते वो पहुंच जाती है, और जो देखती है वह शौक हो जाती है। एक मिट्टी पे एक जगह फटी हुई होती है, उसके अंदर एक पत्थर होता है, और गाय का दूध बिल्कुल उसी पत्थर पे जाकर गिर रही है। वो पत्थर होता है शिवलिंग, जहाँ से शुरू होती है प्रसिद्ध चंदनेश्वर मंदिर। चंदनेश्वर मंदिर पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया मंदिर में पहले होता है नट मंदिर, फिर होता है गर्भगृह, देन आता है मुख्य मंदिर। मंदिर प्रवेश करने से पहले आपको राइट साइड में फोर व्हीलर पार्क करने के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाएगी। थोड़ी दूर चलते ही लेफ्ट साइड में शौचालय, और फिर उसके बाद फिर से फोर व्हीलर पार्क करने के लिए एक जगह। फिर उसकी दूसरी साइड पे आपको मिल जाएगी छोटे मोटे दुकान। बहुत सारे दुकान होते हैं जिसमें से आप बच्चों के लिए खिलौने, घर के लिए शोपीस और भगवान जी की मूर्ति ले सकते हैं। उसके पास ही आती है एक तालाब, जहाँ पे छोटे बच्चों का मुंडन होता है, और उसके पास ही मुंडन के बाद भगवान को चढ़ाने के लिए गोल्ड और सिल्वर के बेल के पत्ते, त्रिशूल, ये सब अवेलेबल मिल जाते हैं। फिर उसके सामने ही बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया दुकान मिलता है। पार्किंग एरिया क्रॉस करते ही आपको दिख जाएगा मंदिर का गेट। मंदिर में टोटल 3 गेट हैं। जो मेन गेट होता है वो भीड़ की जिस दिन भीड़ होती है उस दिन वो बंद रहता है, तो साइड को गेट को एंट्री गेट माना जाता है। उसके पास आपको फ्रूट्स की दुकान मिल जाएगी, जहाँ पे नारियल लिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप मंदिर में एंट्री कर सकते हैं, जो कि होता है 10 रुपीज़। मंदिर एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे एक जगह पर आपको दिखेगा जो पंडित जी लोगों के पूजा कर रहे हैं। राइट साइड में जो जगह होता है, यह जगह होता है रेस्ट की, जो लोग रेस्ट करते हैं और उनका सामान रहता है। मंदिर की भीड़ से आपको ये तो पता चल रहा होगा कि लोगों का बिलीव कितना है। सामने ही आपको एक और एक तालाब मिलेगा, यह मुख्य तालाब, जिसको नीला तालाब बोला जाता है, और इसको उड़िया में नीलो पोखरी बोला जाता है। इवनिंग के टाइम पे इस तालाब की दृश्य को जिस तरह रहता है, बहुत ही अमेजिंग होता है। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 1। ये जो लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही हो बहुत दिनों से, तो आप आ जाइए मंदिर। मंदिर आने के बाद आपका एक अध्याय शुरू होता है। जो लोग अध्याय में शामिल होते हैं, ये लोग किसी से बात नहीं करते सिवाय पंडित जी के। खाने के नाम पे मिठाई और पंचामृत खाते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक शिव जी आपको आपके सपने में आकर हुक्म ना दे कि तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगा। तब जाकर अध्याय ख़त्म होता है। तब ये लोग पंडित जी को बताते हैं, फिर इनका एक पूजा होता है, और ये अपने घर लौट जाते हैं। तब तक ये हर दिन ऐसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे और एक फेमस फेस्टिवल है, चड़क मेला, जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट चड़क मेला में मिल जाएगी।
तो जब आप मंदिर एंटर करोगे तो आपको पहले मिलेगा ये नट मंदिर, फिर गर्भगृह, फिर मुख्य मंदिर। नट मंदिर के सामने ही आपको नंदी जी की एक बहुत बड़ी काले स्टोन से बनी हुई, ब्लैक स्टोन से बनी हुई एक मूर्ति मिलेगी। ऐसा बोला जाता है कि नंदी जी के कान में लेफ्ट साइड कान में कुछ उस मांगो तो पूरी होती है। और फिर आते हैं गर्भगृह। गर्भगृह में दिन भर जो पंडित जी होते हैं वो लोगों की पूजा करते हैं। दिन भर ये जगह पूरी क्राउडेड रहती है, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर ही आपको प्रसाद, फूल, दिए, मन्नत बांधने का धागा, ऐसे बहुत कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो लोग मंदिर के साइड में बैठे हुए हैं इनका अध्याय चल रहा है। हम गए थे मंडे के दिन, हमने एक इन पंडित जी के मदद से मंदिर के मुख्य मंदिर के पिछले गेट से एंट्री ले ली। अब होता है मिस्ट्री नंबर टू। ये जो आप जगह देख रहे हो ना फूलों से सजी हुई, ये रियलिटी में कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे सिर्फ शिवलिंग का ऊपरी भाग दिखता है, आज तक पूरा शिवलिंग किसी ने नहीं देखी। बहुत लोगों ने कोशिश करी है शिवलिंग देखने की, खुदाई भी करी, बट खुदाई के टाइम पे इसकी ग्रेविटेशनल शक्ति इतने लोगों को अंदर खींचने लगी कि खुदाई बंद करनी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पंडित ने भी यहाँ पे हाथ डालकर बहुत सी चीज़ें निकालने की कोशिश की और उनका बहुत बुरा हाल हुआ। वो लोग आज तक उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकते। तो शिव जी का कोप कुछ इस तरह है, आज तक कोई भी शिवलिंग को पूरा नहीं देख पाया। यहाँ पे सिर्फ दो सांपों की मूर्ति ही पूजा होती है। यहाँ पे इवनिंग में शिव जी को गांजा चढ़ाया जाता है। मंदिर के दीवारों में आपको बहुत सी मूर्तियाँ, बहुत सी देवो देवी की मूर्ति, जैसे गणेश जी की, दुर्गा माता की और ऐसे विष्णु जी की बहुत सारी मूर्तियाँ पूजा पाती हुई नजर आएंगी। मंदिर की पीछे वाले गेट से ये नाला जाती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लोग ले रहे हैं ये पंचामृत है, यहाँ की मेन प्रसाद है। पंचामृत मेनली नारियल पानी और दूध का मिक्सचर है। ये जो जगह है यहाँ पे पंचामृत स्टोर होता है। यहाँ पे लोग मन्नत भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मन्नत मांगी हुई हर लोगों की मन्नत पूरी होती है, क्योंकि शिव जी चंदनेश्वर में जीवित पूजा पाते हैं। मंदिर पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। मंदिर के चारों धारी में बहुत सारे देवो देवी की छोटे छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के पास ही में ही ये मंदिर है जो कि राधा कृष्ण जी की मंदिर, बिल्कुल राधा कृष्ण जी गोपी के साथ लीला करती हुई ये मंदिर में पूजा पाती है। उसके पास है ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ जी की मंदिर। यहाँ पे बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ जी की मूर्ति है। उसके सामने ही है गरुड़ स्तंभ। उसके पास है गणेश जी एंड माता चंडी की मंदिर। हर मंदिर में आपको पंडित जी मिल जाएंगी। यहाँ पे हर इवनिंग में लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। लोग डोनेशन भी करते हैं खाना। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर थ्री। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसी पेड़ के पास ही शिवलिंग का उद्भावन हुआ था। यहाँ पे जो त्रिशूल है, ऐसा माना जाता है कि शिव जी का ये असली वाला त्रिशूल है। इस पेड़ की हर डाली में जो भी मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। तो इस पेड़ के पास में ही है दुर्गा माता की मंदिर। यहाँ पे दुर्गा माता की बहुत बड़ी मूर्ति है, पित्तल से बनी हुई है ये मूर्ति। और यहाँ पे एक फेमस पर्व होता है चड़क मेला एंड शिवरात्रि, जिसकी ब्लॉग आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। आई होप गाइज आपको हमारी हिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ चंदनेश्वर मंदिर वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी गलती हुई हो तो कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए। अगर आपको और कोई मिस्ट्री पता वो भी बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।